ये खबर आ रही है ककरहटी से, पुष्पराज सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दबंगों के क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास। पन्ना के ककरहटी में मामूली विवाद में घर में घुसकर एक दर्जन के करीब लोगों ने की तोड़फोड़। परिजनों ने नकदी व जेवरात लूटने के भी लगाया आरोप। इस घटना का लाइव वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल और SP से मदद की गुहार लगाने पहुंचे परिजन। जिस वक्त की खास अपडेट हम आपके लिए लेकर हाजिर। आपको बता दें, ककरहटी क्षेत्र का वातावरण हमेशा से शांत रहा है, लेकिन इन दिनों अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। ताजा मामला तब सामने आया जब एक घर के सामने कॉलोनी में दहशत फैलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें करीब एक दर्जन बदमाश एक घर में मामूली विवाद के चलते तोड़फोड़ और गाली गलौज कर दहशत फैलाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार SP कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि पन्ना की ककरहटी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद लौटते समय 12 तारीख की देर रात एक मामूली विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि धर्मेंद्र यादव, लब्बू शंकर यादव सहित करीब एक दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष के रमेश विष्णु ताम्रकार के घर पर हमला कर गाली गलौज की और तोड़फोड़ भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बदमाश जमकर गाली गलौज तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। वहीं परिजनों ने कोई कार्रवाई न होने के चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर SP के नाम ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि बदमाशों के द्वारा उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया और साथ ही परिजनों ने गोली से हवाई फायर करने के भी आरोप लगाए हैं। फरियादी रमेश ताम्रकार के पुत्र विष्णु ताम्रकार ने वीडियो जारी कर कार्रवाई की अपील की है और बताया कि रात में हमलावर जान से मारने की नीयत पर पहुंचे और मेरे घर और आसपास में भी दबंगई की। पुलिस की शिकायत के बाद भी हमलावर आरोपी नगर में ही घूम रहे हैं।